देखिए दोस्तों, कितने जालीदार, सॉफ्ट और स्पॉन्जी पुए बने हैं। ये पुए देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार और बाहर से एकदम क्रिस्पी। देखिए इनकी आवाज़ मैं आपको सुनवाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मीमोज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आटे के पुए। इनको पूड़े और गुलगुले के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा, 1/3 कप चीनी। पहले दोनों को मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गरम पानी। थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिलाएंगे। दोस्तों सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, वरना बैटर में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। हमने सारा पानी डालकर घोल तैयार कर लिया है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सौंफ और 4-5 काली मिर्च। इसको दरदरा कूट लेंगे। इसमें फ्लेवर के लिए हम डालते हैं सौंफ। डालने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच खाने का सोडा। सोडा डालने से हमारे पुए बहुत ही जालीदार बनते हैं। हमको ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा 1 पिंच डालना है। मिक्स करके हम ढककर 20 मिनट के लिए। दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम पुए बनाने शुरू करते हैं। गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालकर देख लेंगे कि हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है कि नहीं। इसकी पहचान है कि डालते ही ये ऊपर तैर कर आ जाएगा। देखिए ऊपर आ गया है, हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें पुए डाल देंगे। हम पुए चम्मच से और हाथ से दोनों तरह से बना सकते हैं। मैंने 2 पुए चम्मच से डाले हैं, अगर ये थोड़े चपटे बने हैं। अब मैं हाथ से पुए बना लेती हूँ। हाथ से थोड़े शेप गोल गोल बनेंगे और पारंपरिक तरीके से हाथ से ही हम लोग बनाते हैं। हमने आटे और पानी की मात्रा बराबर रखी है, इससे इसकी कंसिस्टेंसी के कारण पुए फूले हैं। यदि हम बैटर गाढ़ा बना लेते तो पुए इतने फूलते नहीं और अंदर से हार्ड भी हो जाते हैं। दोस्तों आप इसमें 1/2 गुड़ और 1/2 चीनी भी डाल सकते हैं, मगर गुड़ डालने से पुए इतने फूलते नहीं हैं जितने कि चीनी डालने से, और गुड़ डालने से कलर भी थोड़ा डार्क आएगा। हम इसको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक कर लेंगे। अब हमारे पुए सिककर तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें 1 प्लेट में निकाल लूँगी। और अब मैं बाकी के पुए भी इसी तरह से तलकर तैयार कर लेती हूँ। अब हम अपने बाकी के बचे पुए भी डालकर तैयार कर लेते हैं। हमारे पुए सिक कर तैयार हो गए हैं। मैं अब इन्हें 1 प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, 1 कप आटे से हमारे कितने पुए बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप बना कर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि कैसे बने। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।